वेलकम बैक गाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको फेंट लाइन क्यों दिखाई देती है। फेंट लाइन जिसे हल्की लाइन या लाइट लाइन या हल्की गुलाबी लाइन या फेंट पिंक लाइन या धुंधली लाइन भी बोलते हैं, तो ये लाइन दिखने का कारण क्या होता है एक्चुअली में, ये हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप टेस्ट कार्ड यूज़ कर रहे हो, ये टेस्ट कार्ड प्रेगनेंसी हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं। माने कि मेरे पास में ये प्रेगा न्यूज़ का ब्रांडेड टेस्ट कार्ड है, तो इस टेस्ट कार्ड पर लिखा है वन स्टेप यूरिन SCG प्रेगनेंसी टेस्ट। मतलब कि ये SCG हार्मोन को पता लगाने के लिए यूज़ होता है। होता ये है कि जब किसी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, मतलब कि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जो उनका बेबी है वो यूट्रस में बच्चेदानी में जाकर इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन के बाद बेबी प्रेगनेंसी हार्मोन को बनाना स्टार्ट करता है। ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है बीटा SCG, और जो बीटा SCG हार्मोन है उसका लेवल 0 से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फिर करके ये इंक्रीज होता है। जब बीटा SCG का लेवल इंक्रीज होता है तो कुछ टाइम के बाद ये यूरिन के रास्ते से शरीर से बाहर भी निकलने लगता है। ऐसी कंडीशन में जब आप लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो ये टेस्ट कार्ड बीटा SCG हार्मोन को पता लगा लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे आपको क्या पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। जब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब कि जब आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइन शो होती है, तो आपको पता लगता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आपको 1 लाइन शो हो रही है, जिससे आपको कन्फर्मेशन हो जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। एक और कंडीशन होती है, जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको उसमें 1 लाइन डार्क कलर की शो होती है, और जो दूसरी लाइन है वो उस लाइन के कंपैरिजन में बहुत ही हल्की कलर की शो होती है। इसी लाइन को फेंट लाइन बोलते हैं। अब इस लाइन के आने के कुछ मुख्य कारण हैं जिसके कारण आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में फेंट लाइन नज़र आती है। तो चलिए एक एक करके इन कारणों को जानते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है कम दिनों की प्रेगनेंसी। माने कि जिस दिन आपने कंसीव किया, जिस दिन आपको प्रेगनेंसी रुकी, उस दिन के लगभग 7 से 9 दिन के बाद जो बच्चा बना वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इम्प्लांट होने के बाद जो बच्चा है वो प्रेगनेंसी हार्मोन को बनाना स्टार्ट करता है, मतलब जिसको ये टेस्ट किट पता लगा लेती हैं। तो रिलेशन बनाने के 7 से 9 दिन के बाद ही बीटा SCG का लेवल 0 से स्टार्ट होता है, जो कि धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है। तो आप लोग क्या देखते हो, जब आप यूरिन की ड्रॉप्स डालते हो तो टेस्ट कार्ड में आपको सी लाइन दिखाई देती है और टी लाइन दिखाई देती है। अब आप ये चाह रहे हैं कि जो सी लाइन है, मतलब कि जो कंट्रोल लाइन है, वो तो टेस्ट में दिखाई देती है हमेशा, इसके बिना तो टेस्ट आपका इनवैलिड है। अब आप ये चाह रहे हो कि जो टेस्ट लाइन है वो सी लाइन की तरह ही डार्क हो जाए, तो ऐसा शुरुआती टाइम में होना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सी लाइन जितना डार्क है, टी लाइन को उतना डार्क होने में कम से कम 7 से 9 वीक्स का टाइम लग जाता है। सो अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 7 वीक से कम की है, तो आपको उतनी डार्क लाइन नज़र नहीं आएगी। उसके लिए आपको दोबारा से 7 से 10 दिन के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगला जो कारण है वो है अबॉर्शन। अब अबॉर्शन भी देखिए 3 तरह के होते हैं। पहला है नेचुरली, कि भाई आपने कुछ भी नहीं किया और आपको नेचुरली आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ख़त्म हो जाए, जिसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। दूसरा है मेडिकल अबॉर्शन, जिसमें लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती और वो गर्भपात की दवाइयाँ खाकर अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर लेती हैं। तीसरा है सर्जिकली अबॉर्शन, जिसमें सर्जिकली आपकी प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाता है। तीनों ही कंडीशन में जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होकर ख़त्म हो जाती है,
तो भी आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है और आपको उसमें फेंट लाइन नज़र आ सकती है। कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 21 दिन के बाद आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कम्प्लीटली नेगेटिव आ जाता है। अगली जो कंडीशन है वो है मिस्ड अबॉर्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो महिला है, उसको मिसकैरेज होने के कोई भी साइन ऑफ सिम्टम्स शो नहीं होते। माने कि ना तो दर्द होता है, ना ही ब्लीडिंग होती है, या फिर किसी भी टाइप का उन्हें कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता कि उनकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई है। तो अब पीरियड्स भी नहीं आ रहे, वहीं दूसरी तरफ उनकी प्रेगनेंसी भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी ख़त्म हुई तो जो बच्चा है वो तो ख़त्म हो चुका है, और जो उसने प्रेगनेंसी हार्मोन बनाया उसका लेवल उतना ही रहता है जितना उसने बनाकर रख दिया। तो होता ये है कि बारी बारी अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो कम लेवल के कारण आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में फेंट लाइन ही नज़र आएगी, वो गाढ़ी भी नहीं होगी और लाइट भी नहीं होगी। ऐसी कंडीशन को मिसकैरेज बोलते हैं। अगली कंडीशन होती है केमिकल प्रेगनेंसी। अब इस कंडीशन में यूजली ऐसा होता है कि आपने कंसीव किया और आपकी प्रेगनेंसी आपको बिना पता लगे ही ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, और आपको अबॉर्शन की ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई। लेकिन आप इस ब्लीडिंग को पीरियड्स की ब्लीडिंग समझ लेते हो, लेकिन आपको कुछ साइन ऑफ सिम्टम्स प्रेगनेंसी के शो होते हैं, या फिर अगर आपको कुछ अजीब सा लगता है ब्लीडिंग में, या फिर आपको प्रेगनेंसी के साइन ऑफ सिम्टम्स लगे और आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको उसमें फेंट लाइन नज़र आती है, और फिर आपको लगता है कि भाई ये शायद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर कुछ और है, और फिर कुछ टाइम के बाद अगर आप दोबारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, माने कि 3 या 5 दिन के बाद, तो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। इस कंडीशन को केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगला जो कारण है वो बहुत ही कॉमन है। होता ये है कि जब फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आते तो आप लोग क्या करते हो, सर्च करते हो नेट पर, गूगल, डॉक्टर गूगल से पूछते हो, डॉक्टर यूट्यूब से पूछते हो कि भाई पीरियड्स कैसे लाएं। अब ज़्यादातर ब्लॉग्स में या फिर आर्टिकल्स में आपको बताया जाता है कि आप गर्म चीज़ें खाओ, ठीक है। और जब लोग ऐसे घरेलू उपाय करते हैं तो उनसे क्या होता है, उनके शरीर का पीएच मान बढ़ जाता है, पीएच लेवल बढ़ जाता है, यूरिन जो है काफ़ी एसिडिक हो जाता है, और हाई पीएच लेवल के कारण जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको उसमें दिखाई देता है फेंट लाइन। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, अगर आपने रेमेडीज ली हैं, गर्म चीज़ें खाई हैं और आपको फेंट लाइन नज़र आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। ये जो टेस्ट है ये आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अगली जो कंडीशन है वो है एप्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि यूजली जिस बच्चे को बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट होना चाहिए था एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, वो बच्चेदानी में इम्प्लांट नहीं होता, बच्चेदानी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है किसी भी कैविटी में, जैसे कि बच्चेदानी के मुंह में, फैलोपियन ट्यूब में, या फिर अंडेदानी में, या पेट के किसी भी भाग में। इस कंडीशन को एप्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि एक जानलेवा कंडीशन है, और इसमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। कन्फर्मेशन के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। अगली जो कंडीशन है वो है इवेपोरेटेड लाइन या इवेपोरेशन लाइन। अब ये लाइन क्या होती है, अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया और टेस्ट रिजल्ट को वो इमिडिएटली नहीं देखते, जहाँ पर कंपनी की इंस्ट्रक्शन है कि भाई जो हमारा ये जो टेस्ट कार्ड है ये 3 से 5 मिनट तक ही वैलिड टेस्ट रिजल्ट शो करता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, टेस्ट किया और 2-3 घंटे के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड को देखते हैं, और टेस्ट कार्ड को देखने पर उन्हें क्या नज़र आता है, एक वाइट कलर की, ग्रे कलर की या ब्लैकिश कलर की लाइन। ये इवेपोरेटेड लाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी है। अगली जो कंडीशन है वो फीमेल ऑर्गन्स के कारण होती है, जिसके कारण आपको फेंट लाइन नज़र आती है। जैसे कि अगर फीमेल को अंडेदानी में रसोली है, बच्चेदानी में गांठ, ट्यूमर या रसोली है, या फिर पीसीओडी, पीसीओएस या ओवरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट जैसी कंडीशन है, तो इन हॉर्मोनल इशूज़ के कारण आपको फेंट लाइन नज़र आ सकती है। अगली कंडीशन होती है कि जो टेस्ट करने वाला पर्सन है वो गलत तरीके से अगर टेस्ट करे, जैसे कि जो यूरिन की ड्रॉप्स है वो सैंपल विंडो में डालनी होती है, लेकिन अगर वो कहीं और, जैसे कि रिजल्ट विंडो में, अगर वहाँ पर यूरिन की ड्रॉप्स डालें तो भी आपको फेंट लाइन नज़र आ सकती है। इसके अलावा
वैसे तो ये ब्रांडेड टेस्ट कार्ड है, अगर कोई कपल या टेस्ट करने वाला एक लोकल ब्रांड टेस्ट कार्ड का यूज़ कर रहा है या फिर एक्सपायर टेस्ट कार्ड का यूज़ कर रहा है या फिर इसको खोल कर रख दिया और 2-3 घंटे के बाद अगर टेस्ट कार्ड को यूज़ करते हैं तो भी आपको फेंट लाइन नज़र आ सकती है। इसके अलावा जो आप यूरिन सैंपल यूज़ कर रहे हो अगर वो फ्रेश नहीं है तो भी आपको फेंट लाइन नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रही हैं, ख़ास तौर पर अगर किसी फीमेल ने जिम ज्वाइन किया है तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, तो इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स के कारण भी आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। दूसरी तरफ अगर फीमेल को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर किडनी डिजीज़ है या फिर किडनी स्टोन है तो इनके कारण भी क्या होता है कि यूरिन में रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल आने लगते हैं जिसके कारण आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको फेंट लाइन नज़र आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी है। इसके अलावा कभी कभी जो फीमेल्स हैं उनको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही होती हैं जिसमें डायरोटिक ड्रग्स चल रही होती हैं, इन ड्रग्स के कारण क्या होता है यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है और अगर यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा तो आपको फेंट लाइन नज़र आएगी क्योंकि जो यूरिन है उसमें बीटा एसीजी की कंसंट्रेशन जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है जिसके चलते आपको फेंट लाइन नज़र आएगी। या फिर आपने टेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो उससे भी क्या होगा जो यूरिन है उसमें बीटा एसीजी की मात्रा कम हो जाएगी और आपको फिर फेंट लाइन तो ऑफकोर्स नज़र आएगी। इसके अलावा कभी कभी कपल्स ऐसा भी करते हैं कि भाई उन्होंने रिलेशन बनाया और 1-2 घंटे के बाद वो जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो टेस्ट में उन्हें फेंट लाइन नज़र आती है। अब ऐसा मेल पार्टनर के सेमिनल फ्लूड के कारण होता है, ऐसा जब सेमिनल फ्लूड यूरिन के साथ मिक्स हो जाता है और ऐसी कंडीशन में अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपको वो फेंट लाइन शो कर सकता है। इसके अलावा गाइस अगर कोई फीमेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही है जैसे कि हम लोग IUI, IVF या फिर ओवुलेशन इंडक्शन के टाइम कुछ ऐसी मेडिसिंस देते हैं जिसके कारण आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में फेंट लाइन नज़र आ सकती है। इसके अलावा कभी कभी फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर या फिर यूट्रस में कैंसर होने की वजह से उन्हें कंटिन्यूसली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में फेंट लाइन नज़र आती है। इसके अलावा बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, इसके कारण भी आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको फेंट लाइन नज़र आ सकती है। इसके अलावा भी एक रेयर कंडीशन है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी का ब्लड लगवा लेते हो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम, अगर आपने किसी फीमेल पर्सन से ब्लड लिया है और अगर वो जो फीमेल पर्सन है अगर उनको प्रेगनेंसी थी तो उनके ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में बीटा एसीजी की वैल्यूज़ आ जाती हैं, लेवल आ जाता है जिसके कारण जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको उसमें फेंट लाइन नज़र आ सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिंस भी होती है रेगुलर बेसिस पर चलने वाली जैसे कि प्रोमिथाजिन या फिर एस्प्रिन, इसके कारण भी आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें आपको फेंट लाइन नज़र आ सकती है। तो गाइज ये कुछ कारण थे जिनके कारण आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में फेंट लाइन नज़र आ सकती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।